हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जेल से छूटने के कुछ दिन बाद ही लूटा शिक्षिका का बैग। जोधपुर में देवनगर थाना क्षेत्र में मोपेड सवार एक शिक्षिका के हाथ से पर्स लूटने के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें एक दिन के रिमांड पर सौंप दिया गया, जिसमें एक लुटेरा कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। उसके खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में लूट, मारपीट आदि के आधा दर्जन मामले दर्ज है। थानाधिकारी सुमेर दान ने बताया कि पाल रोड रूपनगर द्वितीय निवासी शिक्षिका राजेश देवी ने गत 24 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि एक बाइक पर सवार दो युवक उनके निकट पहुंचे और एक ने अचानक झपटा मारकर राजेश देवी के हाथ में रखा बैग लूट लिया और वहां से भाग गए। इस वारदात के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम के जांच के बाद आरोपी भितरी शहर के जूनी मंडी पोल निवासी लवेश वैष्णव और उसके साथी गुलजापुरा बम्बा मोहल्ला निवासी अकबर उफ लक्की को गिरफ्तार किया गया। दोनों अपराधियों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। उनसे वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व लूट का पर्स बरामद करना है। थानाधिकारी सुमेरदान ने बताया कि आरोपी लवेश के खिलाफ पहले से 6 मामले दर्ज हैं। वह राजेश देवी से पर्स लूटने के कुछ दिन पहले ही जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आया था, जबकि लकी के संबंध में पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड संकलन कर रही है। अपराधियों से पूछताछ में कुछ और वारदातें भी खुलने की संभावना है। दिनांक 24/7/2018 को परिवादी राजेश देवी ने रिपोर्ट दी थी कि जब वो स्कूल से वापस 2:20 पाल लिंक रोड पर जा रही थी, उस समय उसकी बहू साथ में थी तथा जब वो गाड़ी पे जा रहे थे, पीछे से दो लड़के आए टू व्हीलर पे और पर्स छीन के भागे। उस पर्स में दो मोबाइल, 1200 रुपये वगैरह कागजात वगैरह थे। गए हुए मोबाइल की IMEI सर्चिंग के आधार पर दो मुलजिमों को तलाश किया गया तथा कल शाम को दो मुलजिम अरेस्ट की इस वारदात को जिसने अंजाम दिया था। एक लवेश वैष्णव है, दूसरा है लक्की और अकबर। इन दोनों से मोबाइल बरामद की प्रयास किए जा रहे हैं। लवेश के खिलाफ जोधपुर के विभिन्न थानों में 6 प्रकरण पहले से पंजीबद्ध है, जिसमें 2 लूट की वारदातें भी हैं। और भी उनसे कुछ उम्मीदें हैं? उसके संबंध में पूछताछ जारी है। शहर में कोई और वारदात करी है या नहीं करी है, इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।